प्रकार से एक छोटा सा तरीका बदलकर लाइफ में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान चाहता है कि लाइफ में वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस प्राप्त करे जो अनफॉरगेटेबल हो, जिसे वो कभी भुला ना सके। और उसके लिए हो सकता है काफी लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, जैसे कि लोग वैकेशन पर जाकर या कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी कर या कुछ ऐसा टूर कर जो उनके लिए लाइफ टाइम मेमोरी में सेव रहे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप बहुत सारा पैसा खर्च कर ही एक बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति बिना एक रुपया खर्च किए, बिना एक सिंगल पैनी खर्च किए भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लाइफ में प्राप्त कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो कहानी है एक युवक के बारे में जो बहुत गरीब परिवार से है और उसके पास कोई नौकरी नहीं है। एक छोटे से गांव में वो रहता है, नौकरी की तलाश से वो घर गांव से शहर जा रहा है, रेलगाड़ी में सफर कर रहा है। क्योंकि परिवार बहुत गरीब है तो उनके परिवार में कभी कभार ही सब्जी बनती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ रोटियां खाकर ही काम चलाना होता है। तो घर से एक टिफिन पैक किया गया है और उस टिफिन को लेकर जब वो रेलगाड़ी से सफर कर रहा है, तो सफर करते करते उसे कहीं ना कहीं जब भूख लगती है आधे रास्ते, तो वो उस टिफिन को खोल के देखता है। उस टिफिन में देखता है तो सिर्फ रोटियां थी, सब्जियां नहीं थी, और वो भूखा होता है काफी। अब हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसके पास बहुत स्वादिष्ट पकवान भी रखे हों, लेकिन उसे भी उनको खाने में मजा ना आए क्योंकि उसे भूख नहीं है। और ऐसा इंसान जिसको बहुत भूख लगी होती है, वो साधारण से खाने को, सिंपल से खाने को भी बहुत स्वादिष्ट पकवान समझकर खा सकता है। तो यहाँ इस व्यक्ति ने जो टिफिन खोला तो उसमें रोटियां मिली और उन रोटियों को निकालकर वो खाने लगा। लेकिन हर बार जो वो हर एक बाइट को खा रहा था, तो खाते हुए वो दूसरे टिफिन में इस प्रकार से लगाकर खा रहा था जैसे उसके अंदर कुछ खास हो, हालांकि वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ रोटियां ही थी। और आसपास के जो लोग थे उसे बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि उसके पास सिर्फ रोटियां हैं, लेकिन फिर भी वो हर एक रोटी को दूसरे वाले टिफिन में डालकर इस प्रकार से खा रहा है जैसे उसमें कुछ खास हो। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा जिज्ञासावश कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उस युवक ने जवाब दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अचार है और मैं अचार के स्वाद को महसूस करके खा रहा हूं। तो एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम ऐसा कर रहे हो तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद महसूस हो रहा है? तो ये युवक बोलता है, हाँ मैं ऐसा ही समझ के खा रहा हूं कि उसमें अचार है, और वो फीलिंग मैं अपने अंदर बहुत अच्छे से फील कर पा रहा हूं कि ये अचार का ही एक्सपीरियंस है। लोग बड़े हैरान थे। और इन्हीं में से एक व्यक्ति ने पूछा कि जब तुम्हें सोचना ही था तो तुमने अचार क्यों सोचा? तुम तो शाही पनीर सोच सकते थे, मटर पनीर सोच सकते थे, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, ये विदाउट एनी पैसा आप एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि जब तुमने अचार सोचा तो अचार का एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। लेकिन तुम अगर मटर पनीर या हांडी पनीर सोचते तो शायद उसका एक्सपीरियंस भी आप महसूस कर पाते विदाउट एनी कॉस्ट। इस युवक को बात बड़ी अच्छी लगी और यहां उसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लेसन लिया। और इस स्टोरी से पूरा कंक्लूजन में अगर हम लेसन लें तो ये है कि हमारी सोच पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। देयर इज नो टैक्स, नो लिमिटेशन, नो बाउंड्रीज ऑन आवर थिंकिंग। वी कैन थिंक वॉट एवर वी वॉन्ट टू थिंक। हम जो भी लाइफ में सोचना चाहे सोच सकते हैं। मीन्स आप घर बैठे भी दुबई की सैर कर रहे हो या मलेशिया या सिंगापुर जा रहे हो तो नोबडी इज गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग बिकॉज ऑफ दैट थिंकिंग। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि लोगों की सोच में भी कई बार ये चीजें नहीं आ पाती है कि ये चीजें पॉसिबल है। और एक बहुत बड़ा रहस्य ये है कि जब इंसान की सोच में कोई चीज पॉसिबल नहीं है तो रियलिटी में तो डेफिनेटली वो पॉसिबल होने ही वाली नहीं है। एक बहुत बड़ा चैलेंज यही है हमारी लाइफ में कि हम बड़ा सोचने से कई बार डरते और घबराते हैं। बट इफ समबडी मेक्स द हैबिट कि मुझे लाइफ में बड़ा सोचना है, डेफिनेटली इफ ही स्टार्ट्स थिंकिंग बिग इन हिज लाइफ, हिज रिजल्ट्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। और जितना व्यक्ति छोटी और लिमिटेड सोच रखता है उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव असर उसे अपनी लाइफ में देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो आपकी एक सोच पर निर्भर है। जैसे इस युवक ने अचार की सोच से अचार के एक्सपीरियंस को फील किया, अगर वही शाही पनीर वो खाने का कल्पना करता या सिर्फ एक सोच रखता तो उसका एक्सपीरियंस भी वो लाइफ में प्राप्त कर पाता। सो समवेयर वी मस्ट मेक अ हैबिट ऑफ थिंकिंग बिग, बिकॉज बाय डूइंग दैट समवेयर वी कैन नॉट ओनली हैव द बेटर एक्सपीरियंस बट एट द सेम टाइम
आगे चलकर उसका हमें कहीं ना कहीं एक बेटर रिजल्ट भी मिलेगा। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत बढ़िया मैसेज दे पाया हूं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।